अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं ए न्यूज, मैं हूं हफ्सा मिन्हास। नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। सुप्रीम कोर्ट ने पैनामा लीक्स केस में चेयरमैन नैब और चेयरमैन एफबीआर को तलब कर लिया। जस्टिस आसिफ सईद खोसा ने रिमार्क्स में कहा है कि आर्टिकल 184 के शिक 3 के तहत अदालत किसी को मुजरिम करार नहीं दे सकती, लेकिन अदालत डिक्लेरेशन देने का हक रखती है। केस की आइंदा समाअत मंगल को होगी। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान का कहना है कि वजीर आजम पार्लियामेंट में कहते हैं कि वो एहतसाब के लिए तैयार हैं, लेकिन उनके वकील का मौकिफ है कि केस बेंच को सुनना ही नहीं चाहिए। जो भी दस्तावेजात अदालत में जमा कराई गयी, शरीफ खानदान ने जमा कराई। वजीर आजम खुद चाहते थे कि सुप्रीम कोर्ट केस का फैसला करे। वजीर ममलिकत इत्तला'आत व नशरियात मरियम औरंगजेब की मीडिया से गुफ्तगू। अफगानिस्तान को पाकिस्तान से जो तावुन दरकार होगा वो फराहम करेंगे, लेकिन अफगान हुकूमत हमारे तहफुजात भी दूर करे। तर्जमान दफ्तर खारजा नफीस जकरिया की हफ्तावार न्यूज ब्रीफिंग। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तेजी का रुझान, 100 इंडेक्स 270 से जायद पॉइंट्स के इजाफे के बाद 49,490 पॉइंट्स की सतह पर ट्रेड कर रहा है। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से श्रीलंकन बहरिया के सरबराह विजय गिनार्तने की मुलाकात, इलाकाई सूरत हाल और बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर बातचीत।